जय श्री राम दोस्तों, आ गया हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्त तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अभी है साइकिल यात्रा चालू किए हैं। ये हैंडीकैप भी है, आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब जो है हैंडीकैप हैं और ये साइकिल से निकले हैं केदारनाथ यात्रा के लिए। और दोस्त आइए आज इनसे बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि ये इनका मकसद क्या है साइकिल यात्रा का। अपने बारे में कुछ भी बोलिए जो आप बोल सकते हैं। उड़ीसा के तुरमुंगा इलाके से जो है केदारनाथ जा रहे हैं, तो आप अपना यात्रा कब शुरू किए हैं, कितने तारीख को? 27 तारीख को। ये इनका जो है इसमें फोन पे नंबर, यूपीआई आईडी, यूट्यूब ब्लॉग का जितना भी है सारा डिटेल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अगर कोई भाई अगर इन्हें हेल्प करना चाहते हो तो इनका फोन पे नंबर भी दिया है। ये काफी लंबा यात्रा पे निकले हैं बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। उड़ीसा से जो है केदारनाथ जा रहे हैं। ऐसा करते हैं कि इनका यात्रा मंगलमय हो, बाबा भोलेनाथ जो है इनका यात्रा सफल बनाए। और उड़ीसा से जो है केदारनाथ यात्रा करने के लिए अब यहाँ से निकल रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई जो है बिल्कुल अब निकल चुके हैं काफी लंबा यात्रा पे। हर हर जय श्री राम दोस्तों, आ गया हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज रास्ते में जा रहा था काम करने के लिए हाता राजनगर, तो आप देख सकते हैं ये जो भाई मिले हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अभी है साइकिल यात्रा चालू किए हैं, उड़ीसा से जो है केदारनाथ जा रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये यात्रा कहाँ से चालू किए हैं, कितना दिन में पहुँचेंगे और इनका जो मकसद है ये केदारनाथ का यात्रा का, ये कितने दिन में पूरा होगा। तो आइए इनसे जानते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भाई साहब को जो उड़ीसा से केउंझर, उड़ीसा के केउंझर से ना तुरमुंगा से, उड़ीसा के तुरमुंगा इलाके से जो है केदारनाथ जा रहे हैं, जो साइकिल यात्रा ये अपना चालू किए हैं। तो आइए आज इनसे बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि ये इनका मकसद क्या है साइकिल यात्रा का और ये इतना दूर जो यात्रा कर रहे हैं। कुछ तो एक आदमी अपना लक्ष्य लेके चलता है, एक मकसद लेके चलता है। तो आइए इनसे बात करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये यात्रा आप कब चालू किए? 27 तारीख को। और कहाँ से चालू किए हैं भैया? मतलब आपका जो ये यात्रा करने का जो मकसद है, कुछ तो आदमी एक मकसद लेके निकलता है। मैं तो महादेव का भक्त हूँ, उस स्थान से दर्शन कर लिया जा रहा हूँ केदारनाथ। मेरे सपना था केदारनाथ के लिए दर्शन करूँगा। मतलब ये भाई साहब जो हैं महाकाल के भक्त हैं, हर हर महादेव, हर महादेव। तो ये महादेव का भक्त हैं और इनका एक ड्रीम था, हर किसी का ड्रीम होता है केदारनाथ जाना, हर किसी का सपना होता है। तो वो सपने को साकार करने के लिए भाई साहब अपने साइकिल से निकल पड़े हैं। देखिए आप, जो साइकिल यात्रा है ये उड़ीसा टू केदारनाथ के लिए है और भाई साहब जो है केदारनाथ जा रहे हैं। और ये अभी मुझे हाता राजनगर, झारखंड के हाता राजनगर में ये भाई साहब मुझे मिले हैं। तो मैं सोचा क्यों ना इनसे रुक के दो चार मिनट जो है बात कर लिया जाए। और भाई साहब आप जो जा रहे हैं कितने दिन का वक्त लगेगा? 40 से 50 दिन लगेगा। तो भाई साहब का कहना है कि 40 से 50 दिन में ये जो है अपना केदारनाथ का यात्रा पूरा करेंगे। तो कितना किलोमीटर आप जो है उड़ीसा से केदारनाथ जाने में आपको लग जाएगा? 1900। तो भाई साहब का कहना है कि 1900 किलोमीटर ये जो है साइकिल यात्रा तय करेंगे। मैं इनका टाइम लिया और ये अपना टाइम मुझे दिए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आप अपना टाइम पूरा हमको दिए हैं। इतना मतलब ये जो यात्रा है, इस यात्रा में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, अलग अलग राज्य से होते हुए आप गुजरेंगे। तो आशा करते हैं कि जो आपका यात्रा जो है मंगलमय हो, बाबा भोलेनाथ आपका यात्रा को जो है सफल बनाए। इसी मनोकामना के साथ आपको जो है हम यहाँ से विदाई देना चाहेंगे कि बाबा आपका यात्रा जो है सफल करें। तो अपने बारे में भाई साहब आप कुछ थोड़ा बताइए, आप उड़िया जानते हैं तो उड़िया में ही बोलिए। हाँ, उड़िया में ही बोलिए। अपने बारे में कुछ भी बोलिए जो आप
बोल सकते हैं। सात वर्ष आगे मोर ड्रीम थी केदारनाथ दर्शन करने दर्शन करने को बाहरी सतैश तारीख को आस्तार भल खराब लोक समस्त मिलते बहुत लोग हेल्प भी कर। और किसी प्रकार का आपको कठिनाई मिल रहा है रास्ते में? नहीं ऐसे तो दिक्कत हो रहा है, कष्ट हम ही हम कष्ट कले लेकिन कष्ट मिल। और रास्ते में आप रुक कहाँ रहे हैं? जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ से कल आप आज ही आपको पेट्रोल पंप मंदिर की धर्मशाला मिल रही है टाटा रहे जी टाटा रूम रही। तो आप अपना यात्रा कब शुरू किए हैं, कितने तारीख को? 27 तारीख को। 27 मार्च अच्छा 27 मार्च को भाई साहब जो है यात्रा चालू किए हैं। तो मतलब अभी आप जो है रास्ते में पेट्रोल पंप या फिर किसी ढाबा में ही रुकेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं, किसी तरह का परेशानी अभी आपको कोई यात्रा में अभी अभी तक मिला है? नहीं दिक्कत, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है रास्ते में? चलिए भाई साहब जो है देखिए रास्ते में निकले हैं और ये इनका जो है इसमें फोन पे नंबर यूपीआई आईडी यूट्यूब ब्लॉग का जितना भी है सारा डिटेल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अगर कोई भाई अगर इन्हें हेल्प करना चाहते हो तो इनका फोन पे नंबर भी दिया है। ये काफी लंबा यात्रा पे निकले हैं बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। तो जिन किसी भाइयों को भी किसी राज्य में ये भाई मिले तो इनको जरूर कुछ थोड़ा बहुत आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, किसी तरह का जो परेशानी हो तो इनको ज़रूर मदद कीजिएगा। अच्छा लगा भाई, तो आप जो है उड़ीसा के हैं और वहाँ से निकले हैं अभी केदारनाथ, तो अभी तो आपका सफ़र लगभग शुरू ही हुआ है। तो चलिए अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद धन्यवाद आपको। तो ये जो भाई हैं आप देख सकते हैं उड़ीसा के हैं और उड़ीसा से जो है केदारनाथ यात्रा करने के लिए अब यहाँ से निकल रहे हैं। इनसे कुछ समय बात करने के बाद अच्छा लगा, अब यहाँ से जो है इनको हम विदाई देते हैं और यही आशा करते हैं कि इनका यात्रा मंगलमय हो, बाबा भोलेनाथ जो है इनका यात्रा सफल बनाए। और अच्छा लगा भाई आपके साथ मिलके। जय श्री राम, जय हिंद, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों देखिए जो भाई साहब हैं जैसा कि बताएं कि ये हैंडीकैप भी हैं आप देख सकते हैं, लेकिन इनका जो जज्बा है उसको हम सलाम करते हैं। दोस्तों हैंडीकैप होने के बाद भी जो है मतलब इनके मन में वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हैंडीकैप हूँ। लोग घर में बैठ जाते हैं, सड़कों में चौराहों में बैठ जाते हैं, लेकिन भाई का जो जज्बा है उसको हम सलाम करते हैं। दोस्तों देखिए तो इनका जो मकसद है वो है कि उन अपने सपनों को जो है पूरा करना है दोस्तों, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए यह निकल चुके हैं केदारनाथ के लिए उड़ीसा से, और वो भी साइकिल यात्रा पे। तो दोस्तों काफ़ी मुश्किल यात्रा होने वाला है भाई के लिए, लेकिन महादेव इनका ज़रूर रक्षा करेंगे और इनको ताकत देंगे कि वो अपने सपने को जो है साकार कर सकें। भाई को बहुत बहुत बधाई, और भाई काफ़ी हिम्मत वाले हैं और भाई अब यहाँ से निकलेंगे। ठीक है भैया, हर हर महादेव। ठीक है भैया, चलिए अच्छा लगा मिलके। मेरा नंबर आपको मिल गया है, तो आप झारखंड में जब तक हैं तो आप कॉल करिएगा हमको, किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो जहाँ तक मेरे को लगेगा कि हम सपोर्ट कर पाएंगे मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगा। और आपका यात्रा मंगलमय हो, काफ़ी आराम से जाइए और बाबा से ज़रूर मांगिएगा कि एक भक्त मिला था। तो चलिए देखिए, तो भाई जो हैं अब केदारनाथ यात्रा के लिए निकल चुके हैं, वो भी साइकिल से, और मैं अभी हाथा जा रहा था। देखिए भाई जो है बिल्कुल अब निकल चुके हैं काफ़ी लंबा यात्रा पे। हर हर महादेव।